आज का वीडियो है एमएस एक्सेल में राइट और रॉन्ग पैटर्न। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो आपको मैं बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है ये अटेंडेंस शीट के लिए या और कोई डेटा के लिए आपसे ये वर्क कंप्लीट करने को कहा जाए। तो नॉर्मली अगर ऑन स्किल आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर मैंने एक टेबल डिजाइन किया हुआ है जिसमें रोल नंबर, नेम, UT1, UT2 के नाम से है। तो गाइस, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं लर्न विद श्वेता। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप स्क्रीन में देख सकते हैं जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम कवर किया है उसमें राइट सिंबल है और जिसने एग्ज़ाम कवर नहीं किया है उसमें रॉन्ग सिंबल शो हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस वर्क को आप बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने पहले से इसको वर्क कर रखा है इसको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, इसको हम कर दिए डिलीट। देन सबसे पहले ये जो हमारा डेटा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं फॉन्ट पे क्लिक करके देन हम जाएंगे, ये यहाँ पे पहले से हमने सेट कर रखा था इसलिए ये पहले ऊपर ही शो रहा है, बट हमें सबसे नीचे आना है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ, सॉरी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ शो रहा है विंडिंग टू। तो विंडिंग टू में क्लिक करना है और हमें यहाँ पे कैपिटल पी प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट का सिंबल आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पी हमने टाइप किया है और यहाँ पे राइट का सिंबल आ गया है। और रॉन्ग पैटर्न के लिए हम देखेंगे कैपिटल ओ प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे रॉन्ग का सिंबल आ गया है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमें राइट का ठीक लगाना है वहाँ पर हम पी प्रेस करेंगे और जहाँ पे हमें रॉन्ग का वो सिंबल लगाना है वहाँ पे हम ओ प्रेस करेंगे। तो मान लिया जाए यहाँ पे हमें राइट सिंबल ही चाहिए तो इसको हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। ओके, तो हमें रॉन्ग पैटर्न है ना वो कहीं कहीं लगाना है, तो नॉर्मली इसे सेलेक्ट करके आप ओ प्रेस कर सकते हो, कैपिटल ओ प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो लिख रहे ये चेंज हो रहा है। ओके, इसके बाद मान लिया जाए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें कलर करना है, मतलब जो हमारा राइट वाला सिंबल है उस पर ग्रीन कलर करना है और जो रॉन्ग वाला पैटर्न है उस पर रेड कलर करना है। तो उसके लिए हमें फिर से करना पड़ेगा डेटा को सेलेक्ट, देन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे क्लिक करके मैनेज रूल में क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे जाएंगे न्यू रूल में, फिर न्यू रूल में क्लिक करके हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट में, फिर यहाँ पे क्लिक करके देन यह हमें पूछ रहा है कि फॉर्मेट ओनली सेल विद इन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्चुअली स्पेसिफिक कोई एक टेक्स्ट के लिए ही चाहिए, मतलब कलर। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन ही यहाँ पे हमें मतलब कौन सा टेक्स्ट पे हमें ग्रीन कलर या कोई भी कलर चाहिए वो यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें राइट सिंबल के लिए करना है, तो राइट सिंबल के लिए हमारा है कैपिटल पी, तो हम यहाँ पे नॉर्मली कैपिटल पी टाइप कर देंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में क्लिक करके देन हम यहाँ पे उसका जो कलर है उसको हम चूज करेंगे। तो जैसे हमें जो राइट वो है सिंबल है उसके लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए, तो हमने ग्रीन कलर कर दिया और यहाँ थोड़ा हम इसको मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे, फिर हम कर देंगे ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हम कर देंगे ओके, फिर हमें जो रॉन्ग है हमारा रॉन्ग सिंबल उसके लिए रेड चाहिए, तो फिर से हम उसके लिए जाएंगे न्यू रूल में, देन यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल द दैट कंटेंट में, फिर यहाँ
सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट चाहिए, इसलिए हम उस पर क्लिक कर दिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा, मतलब जो लेटर है उस पर चाहिए, तो इस पर हमें रॉन्ग पैटर्न के लिए हम वहाँ पे टाइप किए थे कैपिटल ओ, तो यहाँ पे भी हम प्रेस करेंगे कैपिटल ओ। देन हम जाएंगे फॉर्मेट में, ओके। और फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करेंगे, जैसे हमें रॉन्ग के लिए चाहिए तो हमें रेड चाहिए, तो हम रेड में क्लिक करके फिर इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। देन करेंगे ओके, ठीक है, और यहाँ पे भी कर देंगे ओके, और यहाँ लास्ट में भी ओके कर देंगे। तो आप देख पा रहे एक बार में ये जो हमारा डेटा है वो अब हम जैसे चाह रहे थे वैसे डिजाइन हो गया है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा रहा है कि ये जो टिक है ये यहाँ पे जैसे गिन के लिखना है कितना है, तो जैसे ये छोटा डेटा है तो ये जैसे नॉर्मली देख के आप यहाँ पे 5 टाइप कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आपके पास बड़ा डेटा है जिसमें 500, 600 या 200 ऐसे आपके पास, मतलब ये जो डिटेल है या डेटा है वो आपको दिया जाए, तो उसको काउंट करने में तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम हमारा फार्मूला है काउंट इफ का, वो इक्वल करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंट इफ। तो यहाँ काउंट इफ आ गया, तो इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे ओके। देन हमें जहाँ से, यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ओके, तो रेंज हमें यहाँ से चाहिए, इसके आगे तो क्योंकि नेम है और रोल नंबर है, तो हमें जो जितना टिक है उसको हम कर देंगे सेलेक्ट ओके। इसको सेलेक्ट कर दिए, देन आप इसको सेलेक्ट कर दिए, देन यहाँ पे हम देंगे कोमा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्राइटेरिया, ठीक है, तो वो हमारा रहेगा ये जो हमने सिंबल दिया वो किस चीज़ का दिया था, पी हमने टाइप करा था, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, देन हम कैपिटल पी लिखेंगे, और हम फिर इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद करके ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो आप देख पा रहे ये जो हमारा राइट का सिंबल आया है वो है 5, और देन वैसे ही हमें पूरा का निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करके देन नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जिसमें माइनस है, सॉरी, जिसमें रॉन्ग का सिंबल है उसमें कम करके आया है, और जिसमें पूरा पूरा जो राइट का सिंबल है उसमें पूरा पूरा 5 भी आया है। तो इस तरह से गाइस आप, मतलब जिस वर्क में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा वो आप 5 से 7 मिनट में आराम से कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सेल का फार्मूला का मैजिक। तो गाइस मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।